नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाफ डे न्यूज। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका दे सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत राज्य में चल रही सभी विकास परियोजनाओं की समीक्षा के आदेश दिए हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना को किसानों और आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिनकी भूमि अधिग्रहित की जानी है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि उनकी सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र भी लाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जिस पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, वह किसानों का बिना शर्त कर्ज माफ करने को लेकर प्रतिबद्ध है। ठाकरे ने कहा कि भाजपा नीत सरकार की जो प्राथमिकताएं थी, उन्हें हटाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रतिशोध की राजनीति नहीं है। वहीं भाजपा पर लगातार सामना के जरिए हमला करने वाली शिवसेना ने एक बार फिर उस पर तंज कसा है। उसका कहना है कि 170 का आंकड़ा देखकर विपक्ष विधानसभा से भाग खड़ा हुआ। शिवसेना ने लिखा, सरकार के साथ 170 विधायकों का बल है, यह हम पहले दिन से कह रहे थे, परंतु फडणवीस के चट्टे बट्टों के चश्मे से यह आंकड़ा 130 के ऊपर जाने को तैयार नहीं था। विचारों की उड़ान भरने की क्षमता नहीं होगी तो कईयों को सह्याद्री टीले जैसा लगता है। ऐसा ही बहुमत के मामले में हुआ। 170 की संख्या देखकर फडणवीस के नेतृत्व वाला विपक्ष विधानसभा से भाग खड़ा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से भाजपा के अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने पर सामना में लिखा है कि रविवार को विधानसभा अध्यक्ष पद पर नाना पटोले की नियुक्ति पर निर्विरोध हो गई। कदाचित शनिवार को 170 का आंकड़ा भाजपा वालों के आंख और दिमाग में घुस जाने का परिणाम ऐसा हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब अगले 5 साल उन्हें इसी तरह पीछे हटने की आदत डालनी पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सलाह देते हुए पार्टी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री की हैसियत से देवेंद्र फडणवीस ने जो गलतियां की, वह विरोधी पक्ष नेता के रूप में तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के नेता पद की शान व प्रतिष्ठा बरकरार रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुमत के आसपास भी जाना संभव न होने के बावजूद दिल्ली ने फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और उस सरकार के धराशायी होने के बाद अब विरोध पक्ष के नेता पद पर भी फडणवीस की ही नियुक्ति कर दी गई। तमिलनाडु के कोयंबटूर में दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोयंबटूर में भारी बारिश से 3 मकान जमींदोज हो गए। मेट्टुपालयम में सोमवार सुबह हुए इस हादसे में अब तक 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। मलबे में दबे बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसे स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग चला रहा है। पुलिस ने कहा कि तमिलनाडु के मेट्टुपालयम में भारी तबाही के कारण चारों घरों की दीवार गिरने से 4 महिलाओं सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि घरों में कई लोग थे। भारी बारिश के कारण एक निजी परिसर की दीवार जर्जर हो गई थी। पुलिस ने बताया कि राहत व बचाव कर्मियों ने अब तक 9 शव निकाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश के कारण चेन्नई के कोराट्टर में कई घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर भारी जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तमिलनाडु के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बता दें कि चेन्नई में भारी बारिश के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केंद्र के निदेशक एस पुविरासन ने कहा कि ऊपरी वायु प्रवाह के कारण राज्य में भारी बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में हल्की भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की आशंका के चलते मद्रास यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी की सोमवार को होने वाली परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया गया है। केंद्र सरकार की आलोचना को लेकर उद्योगपति राहुल बजाज के सवाल पर बहस छिड़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को ट्वीट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं बायोकॉन की एमडी किरण मजूमदार शॉ ने बजाज का समर्थन किया है। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, राहुल बजाज ने जिन मुद्दों को उठाया उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया है। सवाल हो, आलोचनाएं हो, सबको सुना जाता है, उनका जवाब दिया जाता है, उसे रेखांकित किया जाता है।
सीतारमण ने लिखा कि अपनी धारणा फैलाने की जगह जवाब पाने के और भी बेहतर तरीके हैं। ऐसी बातों से राष्ट्रीय हित को चोट पहुंच सकती है। वहीं बजाज के समर्थन में बायोकॉन की एमडी किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि उम्मीद है सरकार उपभोग और विकास को पटरी पर लाने के लिए भारतीय उद्योग जगत से संपर्क साधेगी। शॉ ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, अभी तक हम सभी से दूरी बनाकर रखा जा रहा है और सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर कोई आलोचना सुनना नहीं चाहती है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उद्योगपति राहुल बजाज ने अमित शाह से कहा था कि इस वक्त लोगों के बीच खौफ का माहौल है, जो सरकार की आलोचना करने से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनकी आलोचना को सरकार में किस तरह लिया जाएगा। बजाज को अमित शाह ने उसी मंच से जवाब दिया। शाह ने इस बात को खारिज किया कि देश में डर का माहौल है। उन्होंने कहा, किसी को किसी के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमलावर दिखाई दी। कांग्रेस ने बुजुर्ग उद्योगपति राहुल बजाज की देश में डर का माहौल होने वाली टिप्पणी के लिए सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने दावा किया कि बजाज के इस बात में पूरे देश की भावना दिखाई दे रही थी। कांग्रेस ने जोर देते हुए कहा कि बिना सद्भावना के कोई भी देश में निवेशकों के आने की उम्मीद कैसे कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने घर वापसी अभियान के साथ काशी विश्वनाथ एवं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण की भी मुहिम छेड़ दी है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विहिप की ओर से घर वापसी अभियान की घोषणा की गई थी, लेकिन अब उसके एजेंडे में दोनों स्थानों पर मंदिर निर्माण का मुद्दा भी शामिल है। रविवार को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में धर्म समग्र विकास सनातन मार्ग विषय पर आयोजित अशोक सिंगल स्मृति व्याख्यान में डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है। राम जन्मभूमि मामले में करोड़ों हिंदुओं की आस्था ही फैसले का आधार बनी। अब लोग पूछने लगे हैं कि काशी और मथुरा में मंदिर कब बनेगा। लोग पूछते हैं कि इन दिनों मंदिर के लिए कब न्यायालय जा रहे हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद पहले ही तय कर चुके हैं कि इन स्थानों और वहां मंदिरों से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, इसीलिए ये तीन स्थान हमें चाहिए। इसके लिए जल्द ही कदम उठाया जाएगा। डॉक्टर स्वामी के संबोधन के दौरान ही बतौर वक्ता मंच पर बैठे डॉक्टर जोशी ने इस मांग का समर्थन किया और कहा, आप स्वामी हैं और आपको कहीं भी जाने की आजादी है। इसी क्रम में डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि काशी विश्वनाथ और मथुरा में मंदिर के लिए न्यायालय जाने की भी जरूरत नहीं है। सरकार राष्ट्रहित में दोनों भूखंड का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, लेकिन इससे पहले माहौल बनाना होगा। उन्होंने कहा, आज हिंदुओं को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, इसके लिए सही इतिहास को सामने लाना होगा। उन्होंने संस्कृत की महत्ता पर भी चर्चा की तथा इसे स्थापित करने की जरूरत बताई। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अशोक सिंघल के साथ संबंधों पर भी प्रकाश डाला। हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर पूरे देश में उबाल है। इस मुद्दे को कांग्रेस संसद में उठाने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस लोकसभा में इस मुद्दे को सोमवार को उठाएगी। माना जा रहा है कि इसे लेकर भारी हंगामा हो सकता है। वहीं भाजपा सांसद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। सामूहिक दुष्कर्म की घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहित अन्य जगहों पर मार्च निकाला था। अब सोमवार को वह संसद के बाहर इस घटना और महिला की असुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। खबर है कि राज्य मंत्री संजीव वलियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वह हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे। इस मामले पर अभी तक प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की है। पशु चिकित्सक के साथ हुई दिरंदगी की जांच कर रही पुलिस आज अदालत में चारों आरोपियों से आगे की पूछताछ के लिए याचिका दायर हिरासत मांग सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पुलिस को सामूहिक दुष्कर्म की जांच जल्दी पूरी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने घटना के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश दिए हैं।
अमेरिका में हांगकांग प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए कानून के बाद जहां आंदोलनकारियों में उल्लास है, वहीं इससे हांगकांग सरकार और चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चीन इस अमेरिकी कानून के कितने दबाव में आता है। हांगकांग में एक हफ्ते शांति रहने के बाद लोकतंत्र समर्थक सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं मंजूर होगा। वहीं हांगकांग सरकार और चीन ने भी अपने स्टैंड साफ कर दिए हैं कि वह किसी कानून के दबाव में नहीं है। अगर प्रदर्शन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते भर से ज्यादा की शांति के बाद हांगकांग में लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारी रविवार को सड़कों पर वापस आ गए। निकाय चुनावों में मिली भारी सफलता और अमेरिका द्वारा समर्थन में बनाए गए कानून से आंदोलनकारी जोश से भरे हुए थे। 1000 से ज्यादा आंदोलनकारियों ने जुलूस के रूप में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पहुंचकर आभार जताया। हजारों अन्य प्रदर्शनकारियों ने पूर्व की भांति महानगर के मुख्य व्यापारिक इलाके में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बड़ी संख्या में बुजुर्गों और आम नागरिकों ने सड़कों पर आकर हांगकांग की चीन से आजादी की मांग की। हजारों आंदोलनकारियों का प्रदर्शन सिम शोसुए व्यापार क्षेत्र में हुआ। बीजिंग की आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को हांगकांग में प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप ने हस्ताक्षर के बाद अब हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम 2019 बिल कानून बन गया है। यह कानून मानवाधिकार के उल्लंघन पर प्रतिबंधों का उपबंध करता है। कांग्रेस ने एक दूसरा विधेयक भी पारित किया है जिस पर ट्रंप ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भीड़ नियंत्रण की गतिविधियों जैसे आंसू गैस, काली मिर्च, रबर बुलेट आदि को हांगकांग पुलिस के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर चीन ने इस कानून पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह इसके जवाब में कार्रवाई करेगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।